मैं नेहा चौधरी नेहा यमी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मूंग दाल मसाला पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या यूज करना है। मूंग दाल की पूड़ी बनाने के लिए मूंग दाल को सबसे पहले 5-6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। मूंग दाल को भिगोए हुए 5-6 घंटा हो गया है, मूंग दाल अच्छे से फूल गई है। इसे 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसे 2 बार पानी से धो ली हूँ, अब इसका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। मूंग दाल में मिक्स करने के लिए 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन ली हूँ। मूंग दाल में इन सबको मिक्स करके एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। बारीक पेस्ट बनके तैयार है। दाल के मसाला पूड़ी को खस्ता बनाने के लिए इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी को मिक्स किए हुए 10 मिनट हो गए। मूंग दाल की मसाला पूड़ी बना रहे हैं तब इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसके लिए मसाले में 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी और थोड़ी सी धनिया पत्ता ली हूँ। अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। गरम मसाला, हल्दी। हल्दी डालने से पूड़ी का कलर अच्छा आएगा। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। धनिया पत्ता, कसूरी मेथी। अब इसको मिक्स करते हैं। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल मिक्स करते हैं। ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसे गूंथेंगे। इसमें पानी मिक्स नहीं करना है। हाँ, डो तैयार कर ली हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। पूड़ी के लिए आटे को इतना टाइट रखेंगे। चलिए मूंग दाल मसाला पूड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसका छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। लोई बना ली हूँ। अब इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से लोई सूखेगा भी नहीं और इसको बेलते टाइम सूखा आटा या ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको चारों तरफ बराबर बेलना है। इसको ना ज्यादा पतला करेंगे ना ज्यादा मोटा करेंगे, पूड़ी के जैसे ही बेलना है। पूड़ी को तलने के लिए तेल गरम कर ली हूँ, अब तलना स्टार्ट करते हैं। पूड़ी को चारों तरफ से अच्छे से घुमा घुमा के तलेंगे। पूड़ी एक साइड से तल गई है, दूसरे साइड को तलते हैं। ये पूरी लंबे टाइम तक ऐसी फुली फुली रहती है। ये हेल्दी और टेस्टी भी है। मूंग दाल मसाला पूरी बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें।
मूंग दाल मसाला पूरी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहां से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।